हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो चैप्टर नंबर पहला है साइंस का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री का अगर ये चैप्टर है तो आपको सबसे पहले तो पीरियडिक टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जो वीडियो मैंने पहले पीरियडिक टेबल पे बनाई हुई है, तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देख लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, या अगर आप इस लेक्चर को कर रहे हो तो उसके बाद में उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसका यूज़ होने वाला है। सभी को पीरियडिक टेबल कम से कम याद होनी ही चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हम ये जनरली पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरीके की होती है, किसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं या किसको हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और केमिस्ट्री का क्योंकि पहला चैप्टर है तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही आसान तरीके से, सबसे सिंपलेस्ट वे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि आपके रियल लाइफ में जितनी भी ऐसी जो फिनोमेना हो रहे हैं, जहाँ पर कोई चेंज आ रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है या उसका कलर चेंज हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी कलर चेंज हो रहा है, या फिर गैस लिबरेट हो रही है, तो इस तरीके के जहाँ पर फिनोमेना देखने को मिलते हैं वो सभी क्या बोले जाएंगे भाई, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। अब एक बार यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ और उनको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों के टाइम पे अगर हम दूध को रख दें, बस नॉर्मली दूध रखा हुआ उसे अगर रख दें, तो कुछ समय बाद दूध जो होता है वो खट्टा होने लगता है, और खट्टा होने के बाद में वो कुछ समय बाद दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध का अपने आप दही में कन्वर्ट हो जाना भी कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन ही है, वो रिएक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, इसका पूरा टेस्ट चेंज हो गया है, यानी ये अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है, अपने आप ही हुई है। समर में क्यों हो रही है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो रिएक्शन, टेम्परेचर ज़्यादा करने पर रिएक्शन होने की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए ठंडों में ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कम होता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो रिएक्शन के होने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखो, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे लोहा होता है, आयरन जो होता है उस पर जो है जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे हम बोलते हैं, लोहे पर जंग लग जाती है। तो लोहा है, कुछ समय बाद में उस पर अपने आप ही जंग लग जाती है, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा रेडिस ब्राउन ब्राउन टाइप का कलर हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बना हुआ है बिल्कुल नया था, कुछ समय बाद में इस पर जंग लग जाती है, तो ये क्यों हो रहा है। एंड आयरन तवा या पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। इसका मतलब क्या है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर अगर है एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में इसकी ये दशा हो जाती है। आपने देखा ही होगा लोहे पे जो जंग लगती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, तो यहाँ ये केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा और देखते हैं भाई। आपने ये तो सुना होगा ना, जो वाइन्स वगैरह होती हैं, बियर, दारू, ये किसी न किसी से सुना होगा कि ये अंगूरों को सड़ा सड़ा के, अंगूरों को सड़ा के जो है इसको बनाया जाता है, बहुत टाइम तक अंगूर को रखा जाता है। तो हमारे पास में क्या थे, अंगूर थे, और कहीं ना कहीं अंगूरों को ही हमने किस में कन्वर्ट करा दिया है, इनमें कन्वर्ट करा दिया है, तो इनका टेस्ट बिल्कुल अलग था, इनका बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। नेक्स्ट, फूड इज कुक्ड। जब खाना बनता है, तो खाना जब बनता है तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की स्मेल आती है ना, स्वादिष्ट खाना बन रहा है, महक उठती है वहाँ पे, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं लगातार, उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो किसी न एक स्टेट से किसी न किसी दूसरे स्टेट में वो जो है कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं, भाप निकल रही है, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है।
अगला है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट होता है वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि वहाँ पे भी उसका पूरी तरीके से जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है इन ह्यूमन बॉडी वो भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है वी रेस्पायर। तो जो हम जो सांस लेते हैं, यानी कर क्या रहे हैं हम सांस लेते समय, हमने ऑक्सीजन को लिया अंदर, और ऑक्सीजन को लेने के बाद में हमने वापस किसको भेजा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा है। तो ऑक्सीजन को खींचा था, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है। किसी एक गैस से दूसरी गैस में कन्वर्जन हमने कर दिया है, ये भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये सभी जितनी भी है ये सब केमिकल रिएक्शन है। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जो हम रियल लाइफ के अंदर डेली करते हैं सारी चीज़ें, वो सारी के सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी वो सब के सब क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। देखो, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। तो इनिशियल जो कंडीशन थी या इनिशियल स्टेट है, इनिशियल जो सब्सटेंस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। सभी के सभी जितने भी अभी हमने पढ़े थे, जो इनिशियल हमारे पास में सब्सटेंस था वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, किसी न किसी में वो कन्वर्ट हो गया। तो वो सभी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जब भी कभी भी केमिकल चेंज होता है इसका मतलब है वहां पर केमिकल रिएक्शन है। इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर केमिकल चेंज आ जाते हैं। तो जहां जहां केमिकल चेंज है उस पूरे को हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जान सकते हैं। और थोड़ा सा देखो इन्हें हम किस तरीके से पहचान पाएंगे। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन है उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं। क्या है भाई? पहला तरीका यह है, आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सभी स्टेट्स होती हैं। तो कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, गैस से लिक्विड में आ गया, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। तो एक तो चेंज इन स्टेट इस तरीके से आप पहचान सकते हो। दूसरा है चेंज इन कलर। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हो सकता है कलर चेंज हो जाए, तो कलर भी चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा जैसे सेब है, एप्पल है हमारे पास, एप्पल को अगर मैंने काट के रख दिया है तो काट को रखने के बाद में कुछ समय बाद में एप्पल जो है हल्की हल्की से रेडिस सी हो जाती है। यानी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एयर के साथ में रिएक्शन करती है, और एयर के साथ में रिएक्शन करके उसका कलर चेंज होता है। वो भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ से गैस लिबरेट होती है, अपने आप वेपर्स निकलते हैं, गैसेस निकल रही होती हैं। तो उसको भी आप जो है केमिकल रिएक्शंस के ही उसमें रख सकते हो। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर अपने आप ही टेम्परेचर में जो है चेंज हो जाता है, तो चेंज इन टेम्परेचर है। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पीपीटी जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट कभी भी आ जाए मैं उसे पीपीटी से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये एक ऐसा सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर नीचे आके बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हो। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये एक तरीके से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें से हम पहले को हम देखना चाह रहे हैं, पहले को हम पढ़ रहे हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब देखो क्या है, ध्यान से समझेंगे इसे। जैसे गैस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो अगर गैसियस फॉर्म में से कोई लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो गैस से अगर लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जैसे भाप उठ रही है, आप पानी को गर्म कर रहे हो, वहाँ से भाप निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, गैसेस फॉर्म में है, और ऊपर से आपने उसे अगर ढक रखा है तो जो भाप होती है, वेपर्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। ऊपर जो जिससे भी आपने उसे ढक रखा है वहाँ पर नीचे क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो वो एक तरीके से कंडेंसेशन वाला होता है। आप इसका अगर उल्टा देखो कि लिक्विड से गैस अगर बन रहा है, तो लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। पानी से अगर वेपर्स निकल रहे हैं, हीट दे रहे हो पानी को, तो वेपर्स निकल रहे हैं, यानी वो एवोपरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट आप ये देखोगे, अगर गैस से सॉलिड बन रहा हो,
क्या बन रहा हो, गैस से सॉलिड बन रहा हो। तो गैस से अगर सॉलिड बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन या फिर हॉर फ्रॉस्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जब गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड फॉर्म में, हॉर फ्रॉस्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जैसे इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, सर्दी होती है, तो वहाँ पर जो गैसियस होते हैं वो डायरेक्ट बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड जो बर्फ़ होती है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। अगला है, अगर सॉलिड से गैस बन रहा हो, तो सॉलिड से गैस अगर बन रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन हो रहा है। तो सॉलिड से गैस यानी सब्लिमेशन हो रहा है। तो आपने कपूर को जलते हुए देखा होगा, जो कैम्फर होता है, तो कैम्फर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। वो सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। देखा होगा कैम्फर को जलते हुए, अगर जलाते हो तो वो जो सॉलिड फॉर्म में है वो सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वैसे जनरली होता क्या है, किसी भी चीज़ को अगर आप हीट दे रहे हो सॉलिड फॉर्म में अगर वो है, तो सॉलिड से पहले वो लिक्विड में आती है, देन गैस में जाती है, लेकिन कैम्फर सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है, तो उसको हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप बोलो कि सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है इसका मतलब मेल्ट हो गया, मेल्टिंग है उसको, और लिक्विड से अगर कोई सॉलिड में जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चेंज इन स्टेट के बारे में, इस तरीके से इंटरकन्वर्टेबल होते हैं ये। इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, कि सब्लिमेशन क्या है, एवोपरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, मेल्टिंग क्या है और फ्रीजिंग क्या है, ये नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट आप देख सकते हो चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब आपने ये बहुत बार कई बार खाए होंगे, है ना, तो देखा है ना अभी फिलहाल इसका किस तरीके का कलर है, धीरे 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 इसका कलर और जो है चेंज होता जाता है, रेडिस सा कलर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस लगातार वर्क कर रही है, इसीलिए वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। फैक्ट्री वगैरह से तमाम ये गैस निकल रही हैं, तो इनके अंदर भी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जहाँ से बहुत सारी गैस लिबरेट होती है, तो ये भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे चेंज हो जाए, जैसे आप देख रहे हो कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास रखी हुई है, टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। हो सकता है दूध पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाए, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वो देखने को मिलता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे अगर हम रिएक्शन को करवाएं और कोई सॉलिड पार्ट जो है नीचे आके डिप हो जाए, सॉलिड फॉर्म में आके जो है डिप हो जाता है, उसे प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और हम इसे डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं और आगे। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट आता है हमारा वेलेंसी चार्ट। तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वेलेंसी चार्ट तो कम से कम याद होना ही चाहिए। बहुत ज़रूरी है वेलेंसी चार्ट, बिना इस चार्ट के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं जो इस चार्ट को बिना पढ़ाए इस चैप्टर को करवा देते हैं, इसलिए बच्चों को हमेशा के लिए डाउट बना रहता है। उन्हें ना तो ये बनता है, पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कब Na2SO4 आएगा, कब NaCl बनेगा, NaCl ही क्यों बनता है, NaCl2 क्यों नहीं बनता है, BaCl2 बनता है लेकिन BaCl क्यों नहीं बनता है। तो ये सारे चीज़ों जो आगे जाके बच्चों को डाउट आते हैं, अगर आपने इस वेलेंस चार्ट को पढ़ लिया तो आगे से डाउट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये वेलेंसी चार्ट का मतलब क्या है। वेलेंसी चार्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कोई भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके हिसाब से उस पर चार्ज आता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसे प्लस वन चार्ज आ जाता है, तो उसका जो वैलेंस चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, प्लस वन हो जाएगा। बहुत से दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्लस टू हो जाएगी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाह रहे हैं तो उनकी माइनस हो जाती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरीके से है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत ईजिली अगर आपको याद रखना है कुछ चीज़ें जिन्हें मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो पीरियडिक टेबल में ग्रुप वन होता है हमारे पास। ग्रुप वन का मतलब आपको ट्रिक याद होगी, है लेना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं,
ये जितने भी यहाँ पे ग्रुप वन के एलिमेंट्स आपको लिखाए गए हैं, इन सभी की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा कितनी होती है जानते हो? प्लस वन होती है। कितनी होती है? प्लस वन। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी इनमें से कोई सा भी आ जाए तो इनकी वैलेंसी प्लस वन होगी। ग्रुप वन के जो होते हैं, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप होता है। ग्रुप टू के जितने एलिमेंट्स होते हैं, पीरियडिक टेबल में मैंने वीडियो डाली हुई है, उसे जरूर पढ़ लेना, एक बार देख लेना, यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। तो ग्रुप टू के जो होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। क्या बोला मैंने? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। तो ये बस ट्रिक है, सीरियसली मत ले जाना, ठीक है? कहीं पता चले है ना, जूता पड़ रहा है आप पे फिर जाके, ठीक है? तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, तो ये ग्रुप टू के हैं। और ग्रुप टू की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? प्लस टू वैलेंसी होती है। दो इलेक्ट्रॉन क्लोज करते हैं। तो इनमें से कभी भी कोई मिल जाए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्सियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है या रेडियम है, इनकी प्लस टू होती है। तो ग्रुप वन में से प्लस वन होगी, ग्रुप टू की हमेशा प्लस टू हो जाती है। और एक आप याद रखना, जो हेलोजन्स होते हैं, ये 17th ग्रुप होता है हमारा, 17th ग्रुप होता है, जिन्हें हम हेलोजन्स के नाम से जानते हैं। और इसमें होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ट्रिक इसकी आप ऐसे याद रख सकते हो, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्या बोला? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इनकी जो वैलेंसी होती है वो माइनस वन होती है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं तो ये माइनस वन में होते हैं। तो ये तीन ग्रुप तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ग्रुप वन प्लस वन हो गया, ग्रुप टू प्लस टू हो गया, और हेलोजन माइनस वन हो गया, ठीक है? अब कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आपको याद रखना है। देखो, अगर OH माइनस आ जाए कहीं पे भी, इसे हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सब याद होने चाहिए भाई साहब आपको, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज आता है? माइनस वन चार्ज आ रहा है। OH माइनस वन है तो माइनस वन चार्ज है इस पे। ये वो ये क्लोरीन मैंने बताया था, यहाँ माइनस वन चार्ज आता है इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन यहाँ आप देख सकते हो, इसे अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ब्रोमीन है, इसी का पार्ट है। ये आयोडीन है, तो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयन फॉर्म में आ रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आयन फॉर्म में अगर ये आ रहे हैं तो इनकी माइनस वन माइनस वन माइनस वन आप यहीं से देख सकते हो। एक है नाइट्रेट। क्या है नाइट्रेट? नाइट्रेट का मतलब है NO3 पे कितना चार्ज आ रहा है? माइनस वन आ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, नाइट्रेट याद रखना है, और हाइड्रोक्साइड भी आपको याद रखना है। एक है HCO3 पे माइनस अगर आ जाए, तो HCO3 पे माइनस वन अगर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बाईकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? बाईकार्बोनेट। तो ये भी आपको जो है याद रखेंगे। अगला है AlO2 पे माइनस आ जाए तो एलुमिनेट बोलते हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है वैसे, तो बहुत ही कम यूज़ होगा। जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो तो आपको हर हालत में याद होने ही चाहिए, होने ही चाहिए, और ये वाले याद होने चाहिए, ठीक है ना? कुछ इसमें आए हुए हैं तो मैं उन पे यहाँ पे दोबारा से टिक नहीं लगा रहा हूँ। अगला है सिल्वर। सिल्वर पे कितना होता है? Ag प्लस होता है, तो प्लस वन चार्ज आ रहा है। सोडियम, ये देखो ये वाला ही है सोडियम, तो इस पे प्लस वन चार्ज आ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ वाला देखो, ये आ गया, प्लस वन चार्ज आ रहा है। पोटेशियम ये आ गया, तो इसी भी प्लस वन आ गया। तो ये तो मैंने अलग से लिखवाए दिए थे, और जो नहीं है वो आप याद रखोगे। Ag प्लस होता है, बाइकार्बोनेट। HCO3 माइनस वन होता है। NO3 पे माइनस आ जाए, नाइट्रेट बोलते हैं उसे। ये आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड है। तो ये सभी, इन सबकी वैलेंसी कितनी है भाई? एक वैलेंसी है। तो किसी पे माइनस वन चार्ज है, किसी पे प्लस वन चार्ज है, तो सबकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। नेक्स्ट इधर देखते हैं, जिन पे एक से ज़्यादा आ रही है। जैसे कैडमियम है, कैडमियम पे प्लस टू होता है, याद रखेंगे प्लस टू होता है। कैल्शियम देखो, ये वही वाला आ रहा है ग्रुप टू में से, जो कैल्शियम हमने पढ़ा था, ये वही वाला कैल्शियम है। तो कैल्शियम ये वही है, ठीक है? तो कैल्शियम वही है, यानी ये रहा कैल्शियम जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था। मैग्नीशियम भी वही है। मैग्नीशियम पे कितना आ रहा है? प्लस टू आ रहा है। मैग्नीशियम यहीं से आप देख सकते हो। मरकरी आप अलग से जो है याद रखेंगे, मरकरी पे प्लस टू होता है। जिंक पे भी क्या होता है? प्लस टू होता है। आपने इस तरीके से याद रखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और इनकी कितनी होती है? प्लस टू वैलेंसी होती है। जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक है, ये कैडमियम है, ये मरकरी है, इन सभी के प्लस टू है। एक साथ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बेरियम देखो, ये वही वाला बेरियम है। बेरियम कहाँ गए? ये रहा देखो बेरियम। तो बेरियम पे प्लस टू ही है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड। ऑक्साइड पे कितना होता है? माइनस टू होता है।
सल्फाइड पे कितना होता है, -2 होता है, ये दोनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्रोमेट आता है, क्रोमेट याद रखेंगे CrO4 पे -2 होता है। कार्बोनेट अगर आ जाए तो CO3 -2 होगा। सल्फेट SO4 -2, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सल्फेट जो होता है SO4 -2 चार्ज होगा। जिंकेट ZnO2 पे -2 चार्ज होता है, इसे हम जिंकेट बोलते हैं। तो जो यहाँ वैलेंस चार्ट है, सब बच्चों को टिप्स पे याद होना चाहिए, इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, तुरंत लिख लो, अभी नोट बना लो इसके, हर बच्चे को बहुत ही टिप्स पे याद होने चाहिए। ग्रुप वन याद रखेंगे, हेलिना की रफ से फरियाद कितनी होती है, +1 होता है। ग्रुप टू बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे, +2 होता है। ग्रुप वन का कितना था, +1 था, ग्रुप टू का कितना है, +2 है। और हेलोजेंस जो होते हैं, फिरकल बाहर आई आंटी वाले जो होते हैं, इन पे -1 होता है। ये लिथियम के बाबा हेलिना के रफ से फरियाद वाले हैं, इन पे +1 होता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, इस पे +2 होता है। और हेलोजन फिरकल बाहर आई आंटी, इन पे कितना होता है, -1 होता है। तो इस तरीके से याद रखें। इनके अलावा जिन पे मैंने टिक लगा रखे हैं वो सभी तो बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी है, देखो कॉपर, कॉपर पे 1 और 2 ये दोनों शो कर सकता है, बट एल्युमिनियम की वैलेंसी फिक्स होती है, कितनी होती है, एल्युमिनियम की 3 होती है। NH4 आयन ये भी ध्यान रखना है, इसे हम अमोनियम आयन बोलते हैं, इस पर +1 ही है। और देखो जो लेड आ रहा है ये थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे लेड पे +2 यहाँ पे आ रही है वैलेंसी। और आयरन पे दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, आयरन पे +2 भी हो जाती है, +3 भी हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। आयरन पे कितनी होती है, +2 भी हो जाती है और +3 भी हो जाती है। आयरन जब +2 में आता है तो उसको हम फेरस बोलते हैं, उसका नाम क्या हो जाता है, फेरस। और जब ये +3 में आता है तो इसको हम फेरिक नाम से जानते हैं, तो फेरस और फेरिक। तो +2 जब आयरन पे आएगा फेरस होगा, और +3 आएगा फेरिक हो जाएगा। तो आयरन दो तरीके से शो कर सकता है, ये आपको अलग से याद रखनी है जो नीचे वाली यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। वैलेंस चार्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, अभी बता रहा हूँ, सब बच्चों को याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बना रखा है जिसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए, कुछ सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट्स हैं उनके ज़रिए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड्स इज कॉल्ड ए वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। अगर वर्ड में कर रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगा, अगर सिंबल लगा के कर रहे हो तो उसे आप केमिकल इक्वेशन या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन भी आप उसे बोल सकते हो। तो एरो इंडिकेट्स टू इल्ड, बीच में एक एरो आ रहा है, इल्ड को इंडिकेट कर रहा है और सोज द डायरेक्शन को बता रहा है। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ में करवाई तो उससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम बर्नड इन एयर, देन वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम बर्नड इन एयर, देन वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस स्टेटमेंट को, इस रिएक्शन को मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर मिला दिया तो क्या बनता है, एरो लगाएंगे बीच में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिन चीज़ों को मिला के जो बना है उनके बीच में क्या आएगा, एरो आएगा कि इनसे ये बना है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो जिनको मिला के आप बनाना चाह रहे हो कोई नया प्रोडक्ट, तो जिनको आप मिला रहे हो वो रिएक्टेंट्स होंगे, और जो बना है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, तो इस तरीके से आप देखोगे। तो नेक्स्ट, जो अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई थी कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ये बन रहा था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को O2 से कर दिया, इससे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। इस तरीके से ही हम केमिकल रिएक्शन को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमेशा। ये क्या खुल गया है भाई, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड
is same, then it is balanced equation, else equation is unbalanced or skeletal chemical equation. तो अगर लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर सेम एलिमेंट है, यानी मैग्नीशियम इधर अगर एक है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, एक है, मैग्नीशियम तो सेम है. ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, एक है, ये सेम नहीं है. इसका मतलब है ये अनबैलेंस्ड है या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलोगे आप इसे, है ना. तो सो अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अगर ये सेम होते दोनों तरफ तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जान रहे होते. कौन सी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस का मतलब है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएं, उसी को हम बैलेंस बोलेंगे, और सेम नहीं है तो अनबैलेंस हो जाएगा. तो नेक्स्ट आगे करते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन को लिखते समय कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो देखो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स किसको हम बोलते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं. प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स को हम किधर लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाया जाता है, जो एरो बताता है कि किधर से किधर रिएक्शन आगे की ओर बढ़ रही है. टू और मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सेपरेटेड बाई प्लस साइन. तो दो से दो रिएक्टेंट हो या दो प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में कौन सा साइन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन लगा देते हैं. जैसे अभी देखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो प्लस का साइन लगाते हैं जब दो हो या दो से ज़्यादा अगर आ रहे हो, रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो. कंडीशंस मेंशन अगर करनी है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो एरो के ऊपर हम वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं. जैसे बहुत सी रिएक्शन क्या होती हैं, टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती हैं, तो टेम्परेचर, जितनी टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रही है तो एरो के ऊपर लिख देंगे कि ये जो है 350 केल्विन पे हो रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जो भी टेम्परेचर दे रखा है उस टेम्परेचर को हम एरो के ऊपर लगा देंगे, तो वो कंडीशंस हैं. या फिर कोई ज़रूरी नहीं है केवल टेम्परेचर की ही बात हो, प्रेशर वगैरह भी अगर दे रखा है तो वो भी हम एरो के ऊपर ही लगाएंगे, जो भी कंडीशंस हैं उसके अंदर. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव. रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जो भी फिजिकल स्टेट होती है वो भी आपको लिखना है. लिखना क्या है, अगर सॉलिड दे रखा है, कोई सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं, एस. अगर कोई लिक्विड दे रखा है तो लिक्विड के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, एल. कोई गैस दे रखा है तो गैस के लिए क्या होगा, जी. और एक्वस अगर दे रखा है तो एक्वस के लिए हम क्या लिखेंगे, ए क्यू. सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो ए क्यू के नाम से, ए क्यू से हम रिप्रेजेंट कर देंगे. जैसे अभी जो हमने रिएक्शन देख रखी थी क्या थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको अगर पूरा बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव पूरी कंप्लीटली रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में, तो मैग्नीशियम के साइड में हम छोटा सा सॉलिड लिख देंगे. प्लस ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस में होता है, तो यहाँ गैस लिखना पड़ेगा. ये जो रिएक्शन होती है, डेल्टा सा जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये बताता है हीट को, किसका सिंबल होता है, हीट का, याद रखेंगे. जब कभी भी ये आपको देखने को मिले, इसका मतलब है हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है. तो ये कंडीशन है इस रिएक्शन के, क्या है ये, कंडीशन है. तो जो भी कंडीशन दे रखी है वो एरो के ऊपर लगा देंगे. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये प्रोडक्ट बन गया, और इधर क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है. तो इस तरीके से हम इजीली यहाँ देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, तो लिख लेना आप इसे. नेक्स्ट करते हैं आगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बहुत ही शानदार सा टॉपिक है यहाँ पे ये, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए. बैलेंस का मतलब यही है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स के अंदर होने चाहिए, राइट साइड में भी होने चाहिए, जितने भी हैं. ऑक्सीजन अगर लेफ्ट में दो हैं तो राइट में भी वो जो है दो ही होने चाहिए. हाइड्रोजन जितने हैं लेफ्ट में उतने ही हाइड्रोजन राइट में भी होने चाहिए, और ये बैलेंस करना आना चाहिए. और बच्चों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं, रिएक्शंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाए. तो आज मैं स्टेप बाय तरीका भी बताऊंगा कि आप कहीं पे भी अटक जाओ, कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो उसे इजीली आप किस तरीके से बैलेंस कर पाओगे. ठीक है, तो देखते हैं भाई इसे आगे. सबसे पहले है कि बैलेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हम क्यों करते हैं, रीज़न क्या है. तो बैलेंस इसलिए किया जाता है कि भाई जितने एटम्स लेफ्ट साइड में हैं उतने ही राइट में भी होने चाहिए. क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा है. क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा है आप सभी ने. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है.
मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो जितना मास, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में हैं, उतने ही एलिमेंट्स कहाँ पे होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। अगर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, इक्वल नंबर हैं, तभी तो उनका मास सेम होगा। पर एक ऑक्सीजन अगर लेफ्ट में है, अगर आपने राइट में दो बना दिए, इसका मतलब तो ये है कि मास बढ़ गया। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी रिएक्शन तो अपने आप ही बैलेंस्ड होती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, ए भी बन रहा है। तो इधर ए अकेला है, इधर भी ए अकेला है, इधर भी अकेला है, इधर भी अकेला है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट में है, उतना ही प्रोडक्ट में भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो छोटी सी रिएक्शन है यहाँ पे, ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ जितने यहाँ पे रिएक्टेंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उतने ही प्रोडक्ट में भी हैं, तो ये बिल्कुल सेम है, बैलेंस है। अच्छा, एज पर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो, जो भी एरो होता है दोनों तरफ सेम होना चाहिए, हेंस इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। समझ लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, जैसे जिंक है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जिंक को हम कैसे कर सकते हैं, जेडन से कर सकते हैं, जिंक जेडन। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, याद होना चाहिए सभी बच्चों को। तो जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद जाकर जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ जिंक सल्फेट, और जो हाइड्रोजन को हटाया है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन से, तो जिंक जो है इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, खुद जाकर जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। तो देखो, अब बना लो, इधर एलिमेंट लिख लिए, इधर रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिएक्टेंट को लिख रखा है नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड यानी नंबर ऑफ एटम्स। तो लेफ्ट साइड में जिंक कितने हैं, एक है, राइट में भी जिंक कितने हैं, एक है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, राइट में हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। लेफ्ट साइड में सल्फर कितने हैं, एक है, राइट में सल्फर कितना है, एक है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, चार हैं, राइट में ऑक्सीजन कितने हैं, चार हैं। यानी आप वैसे भी नॉर्मली बिना इस चार्ट के भी आप सीधा सीधा भी देख सकते थे कि जिंक कितने हैं, एक, जिंक एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। यानी कि जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में हैं, उतने ही राइट में भी। इसका मतलब है ये रिएक्शन किस तरीके की हो गई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है, अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के तरीके क्या हैं। तो स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर दे रखी है तो वहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स हैं उसे बैलेंस करने के लिए। पहला स्टेप है हमारा, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, जो भी फार्मूला दे रखा है उस पर बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो, ये दे रखा है इस पर बॉक्स बना दो। बॉक्स का मतलब है जो दिया है उसके अंदर आपको छेड़खानी नहीं करनी है। कुछ बच्चे ऐसे महानुभाव होते हैं, जैसे F3 है तो वो यहाँ 3 लगा देते हैं, बोलते हैं हो गया जी बैलेंस। नहीं, इधर छेड़खानी मत करो, उसके बाहर आप छेड़खानी कर सकते हो। अंदर छेड़खानी नहीं करनी है एलिमेंट के, बॉक्स बना के बाहर उस पर जो है छेड़खानी कर सकते हो, केवल अंदर की कोई परमिशन नहीं है। ठीक है जी, तो पहला क्या है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। और स्टेप सेकंड है इसका, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बना दो कि लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं। गिन के देख लो, आयरन कितना है, एक है, राइट में कितने हैं, तीन हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, इधर कितने हैं, दो हो गए, ऑक्सीजन एक है, इधर कितने हैं, चार हैं। तो आप लिस्ट बना लो कितने कितने हैं। तो सबसे पहले बॉक्स बना लिया, बॉक्स बनाने के बाद में आपने लिस्ट बना ली, और लिस्ट बनाने के बाद में फिर जो अगला स्टेप हमारा आएगा वो ये आएगा। लिस्ट बनाने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये आएगा कि
जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको आप सबसे पहले बैलेंस करोगे। तो स्टार्ट बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सबसे पहले आप उसको बैलेंस करोगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसके थे? ऑक्सीजन के थे। तो देखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल कितने थे भाई, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितने थे, एक थे, और यहाँ पे कितने हैं, चार हैं। तो चार ऑक्सीजन को बराबर करना है तो इस डब्बे के आगे कितना लगाना पड़ेगा आपको, फोर लगाना पड़ेगा। तो फोर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं पहले उसे बैलेंस करो, यहाँ फोर है यहाँ वन है तो कितना होना चाहिए, फोर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फोर लगा दिया, फिर इसे बैलेंस करने के बाद में फिर देखो कौन बच गया है, उसके बाद में देखो। तो अगला फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए थे, आठ हो गए हैं, यहाँ पर कितने थे, दो थे। तो दो को बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, चार से मल्टीप्लाई कर दिए, चार से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया है। फिर अगला स्टेप देखो, जब तक ये करते जाओ जब तक कि सभी के सभी बैलेंस ना होते हैं, देखते जाओ कितने कितने आ रहे हैं दोनों तरफ, उसे बैलेंस करते जाओ। फिर आयरन को कर देंगे हम, आयरन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर एक था यहाँ पर तीन था, तो तीन करने के लिए यहाँ पर आपने थ्री लगा दिया, तो थ्री लगा के जो है आपने इसे जो है बैलेंस किया है। तो अब आप देख सकते हो आयरन कितने, थ्री है, यहाँ पे कितने हैं, थ्री हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, फोर इंटू टू यानी एट हो गए, यहाँ पे भी एट हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी फोर हैं, यानी लेफ्ट साइड में जितने हैं वही राइट साइड में भी। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो है रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। और आप इसे हिटन ट्रायल मेथड ही समझ सकते हो, हिटन ट्रायल मेथड ही आप इसे डायरेक्ट भी देख कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये आप इस तरीके से करो। ये मैंने स्टेप इसलिए बताए हैं ताकि आप गलती ना करो बिल्कुल भी। तो आप डायरेक्ट करोगे जैसे Fe प्लस H2O से क्या दे रखा है, Fe3O4 प्लस H2। तो डायरेक्ट सोच के देखो आप जनरली वैसे ही कि यहाँ आयरन 3 है तो 3 जो है यहाँ लगा दीजिए, आप थोड़ा सा सोचो इसे ढंग से सोचो। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे 4 लगा दिया जाए। यहाँ हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 8, तो 8 के लिए यहाँ पे 4 लगा दिया जाए, तो क्या वही रिएक्शन आ गई जो है। तो आप हिडन ट्रायल मेथड से भी आप इसे बैलेंस कर सकते हो। ये जो मैंने स्टेप बताया, जब आप अटक जाओ वहाँ पे इस तरीके से फॉलो करोगे तब जाके आप निकालोगे, अदरवाइज डायरेक्ट हिडन ट्रायल मेथड से ही आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है रिएक्शन को डायरेक्ट आप हिडन ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करें। लास्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप ये कहता है कि अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया तो वहाँ आपको फिजिकल स्टेट्स भी उसको शो करनी है कि आयरन किस फॉर्म में होता है भाई, सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में है ना कि लिक्विड फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। तो वो आप जो है लिखो। और अगला जो स्टेप है वो इस तरीके से भी देखोगे कि जो कंडीशंस दे रखी हैं, जो कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कोई कैटलिस्ट तो उसमें यूज़ नहीं किया है, तो जो कंडीशंस होती हैं वो इस एरो के ऊपर मेंशन की जाती हैं। कोई भी रिएक्शन दे रखी है अगर कंडीशन है तो एरो के ऊपर मेंशन करो। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन एक ऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड, अगर दो होते तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। CO गैसेस फॉर्म में है, H2 गैसेस फॉर्म में है, इससे क्या बन रहा है, CH3OH लिक्विड फॉर्म में बना है। तो कितने प्रेशर पे होती है रिएक्शन, 340 atm, का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, यानी प्रेशर यहाँ होता है, इसका मतलब कंडीशन दे रखे तो ऊपर यहाँ शो कर दोगे। एक दूसरा एग्जाम्पल है CO2 एक्वस फॉर्म में है, और ये H2O के साथ में अगर रिएक्शन कर दिया जाए तो इन दोनों को मिला दिया जाए, किसकी प्रेजेंस में है, सनलाइट है ना, क्लोरोफिल, और इससे जो है हमारा C6H12O6 बनता है, C6H12O6 आप जानते ही ग्लूकोज बन चुका है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है, और प्लस क्या निकल रहा है, H2O यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे ये पूरा है। तो ये जो कंडीशन है वो आप इस एरो के ऊपर लगाओगे तब जाके इसको आप पूरी तरीके से बोलोगे कि हाँ रिएक्शन जो है पूरी जो है बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक बैलेंस कर सकते हो। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, उसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, पहचानने के तरीके क्या हैं, रिएक्शन को किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। अगला जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पूरे साइंस का सिलेबस या मैथ्स का अगर पूरा सिलेबस ले रहा है तो डायमंड एकेडमी का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस विद सीट्स, DPP, नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, ऑनलाइन टेस्ट पूरा का पूरा आप वहाँ पे दे सकते हो, सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हो। तो एप्लीकेशन पे पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी, और मॉक टेस्ट वगैरह तो बिल्कुल फ्री हैं,
आप अगर इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप डायमंड एकेडमी के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे द डायमंड एकेडमी लिखना है आपको, और इस नाम से ही आपको ऐप मिल जाएगा। तो वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट है, बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल है, आप वहाँ पे एक बार उसे जाके देख सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।